बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फारिस सिद्दीकी और आज सीएफडी किचन में बड़ी जबरदस्त किस्म की आप लोगों के लिए मैं रेसिपी लेकर आया हूं, जो कि कमर्शियल बेस्ड है, ऑन डिमांड है। इसका नाम है चिकन चीज स्टफ पिज्जा। कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, बड़ा ही जबरदस्त है। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो चले आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम बनाते हैं पिज्जा की डो। ठीक है, तो पिज्जा डो बनाने के लिए मैंने इसमें लिया है 3 कप जो है मैदा। मैदा बिल्कुल लेवल पे रखना है, क्योंकि आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि बेकिंग में इक्वालिटी बिल्कुल जो उसके अकॉर्डिंगली है उसके बराबर आपने रखनी है। थोड़ा सा ऊंचा ज्यादा कम नहीं करना। तो 3 कप मैदा मैंने इसमें तसले में ले लिया है। ठीक है, इसको बराबर से डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून चीनी। ठीक है, ये इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा ईस्ट। ठीक है, इंस्टेंट ईस्ट मैं इसमें यूज कर रहा हूँ, बाहर से आसानी से अवेलेबल है। 2 टीस्पून मैं इसमें डालता हूँ ईस्ट। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगा नमक। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से चारों तरफ। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड है पिज्जा बनाने के लिए। लोग बड़े इस चीज में मुश्किल फील करते हैं, कोई भी बिगनर इसको बआसानी बना सकता है। बस जो तरतीब आपको बता रहा हूँ आपने इसको फॉलो करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है मिक्स। अब मैं इसमें डालूंगा 4 टेबल स्पून जो है ऑयल। ठीक है, ये इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा 1 अंडा। ठीक है, ये पूरा 1 अंडा इसमें डाल दें। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा 4 टेबल स्पून जो है मिल्क। आप चाहे तो ड्राई पाउडर भी मिल्क का डाल सकते हैं, मगर मेरे पास ड्राई नहीं है तो मेरे पास जो है लिक्विड फॉर्म में, तो ये 4 टेबल स्पून मैं इसमें डाल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डालने के बाद जो है अब मैं इसको करूंगा मिक्स। ठीक है, तो जैसे आटा गूंथते हैं वैसे इसको मिक्स करना है। पहले सब चीजों को अच्छी तरह जो है गैदर्ड कर लें। मिक्स ऐसे करना है कि इसका जो पाउडर है मैदे का वो बिल्कुल भी ड्राई फॉर्म में ना रहे। सब चीजें, सारी इंग्रेडिएंट्स जो है मैदे के अंदर आपस में गैदर्ड हो जाएं और इस तरह से चूरा फॉर्म में आ जाएंगी। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों तरफ से जो है आपस में मिक्स हो गया है, क्रम्बल्ड हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें लेंगे ल्यूक वार्म वाटर, नीम, बहुत हल्का सा गर्म पानी होता है ये। ठीक है, इसमें डालेंगे। पानी की क्वांटिटी को खास आपने देखना है, थोड़ा थोड़ा डालें। एक पोट मैंने 3 पॉकेट्स बनाए, इसमें थोड़ा सा डाल दें और इसमें थोड़ा सा डाल दें। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। पानी को कभी भी 1 टाइम में नहीं डालना, इस चीज का ख्याल रखना है कि पिज्जा बनाते वक्त जब डो बना रहे हो तो 1 टाइम में पानी को ज्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना। ये देखें, बाइंडिंग बड़ी जबरदस्त हुई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगा। अब इसको मुक्कियों से गूंदना है आटे को। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आटा कितना जबरदस्त इसका गूंद गया है डो का। तो ये कि इतना गूंदना है आपने कि तसले पे लगा हुआ आटा भी जो है अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। ये देखें कितना जबरदस्त है। अब करेंगे क्या, मैं इसको जो हूं किस, कोई भी आपके पास बर्तन हो, मेरे पास इस तरह स्टील का एक बॉल है। ठीक है, ये मैं ले लेता हूं और इसमें मैं इस तरह से इसको रख देता हूं, ऐसे फैला के रख दें। ठीक है, और इसको जो है ना, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक कवर है तो ऊपर से इसको कोट कर दें, कवर कर दें। ठीक है, वरना अगर वो नहीं है तो कोई भी इस तरह का मेरे पास एक कवर है पैन का, तो इससे मैं कवर कर देता हूं। तो ये हो गया एयर टाइट पे। पीछे आपको माइक्रोवेव ओवन नजर आ रहा होगा, इसके अंदर जो है मैं इसको रख दूंगा तकरीबन जो है इसको 45 मिनट के लिए। जो इसकी आपको नजर आ रही है थिकनेस, ये तकरीबन इसका डबल हो जाए। ठीक है, इतनी देर तक हमने इसको रखना है, तो 45 मिनट्स के लिए हम इसको इसमें रखते हैं। फिर इंशाल्लाह 45 मिनट्स के बाद आपसे मिलेंगे। अभी मैं इसमें रख देता हूं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब तक हमारी जो है डो जो है सेट होने के लिए रखी हुई है, तब तक जो है हम क्या करेंगे, हम चिकन चंक्स बनाएंगे पिज्जा की टॉपिंग के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है। 1 टेबल स्पून में इसमें ले रहा हूँ ऑयल। फ्लेम को जो है मैंने रखा है मीडियम, ऑयल का गर्म होने का वेट करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम चिकन, जो कि हम चंक्स तैयार करेंगे पिज्जा के लिए। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी बोटी जो है मैंने इसकी बना ली है, जो कि पिज्जा चंक्स के अंदर रिक्वायर्ड होती है। इसके अंदर जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके चंक्स बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 300 ग्राम ये चिकन है, इसको जो है हम अच्छे तरीके से जो है इसमें सौते करेंगे, कलर चेंज होने तक जो है हमने इसमें चम्मच चलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन का जो है कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून जो है तंदूरी मसाला। ठीक है, किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, ये डालें बड़ा जबरदस्त से फ्लेवर आएगा। ये इसमें डाल देते हैं, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। चिकन इटसेल्फ अपना पानी भी छोड़ेगा, पानी के ड्राई होने तक और चिकन के टेंडर होने तक हमने इसको इस पे कुक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है हमारा रेडी हो चुका है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और बेहतरीन तरीके से मसाला जो है बोटियों पे लग गया है।
तो चूल्हा मैं करता हूँ बंद। अब करेंगे क्या, अब चिकन को जो है सेपरेट में एक बर्तन में निकाल लूंगा, फिर इंशाल्लाह इसकी जो हाफ चिकन है तो उसको जो है हम इस्तेमाल करेंगे स्टफ चिकन के लिए, स्टफ चिकन बनाएंगे और बाकी जो है हम यूज करेंगे पिज्जा की टॉपिंग के लिए। तो अभी बनाना सिखाते हैं आपको स्टफ चिकन कैसे बनाई जाए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सेम बर्तन मैंने लिया है, चिकन मैंने सेपरेट करके जो है ये देखें इसको जो है मैंने श्रेड कर लिया, ठीक है इस हिसाब से श्रेड कर लिया, आधी चिकन को श्रेड किया है। सेम बर्तन मैंने ले लिया है, फ्लेम मैंने खोल दिया है, मीडियम फ्लेम पे रखा है और इसमें 2 टेबलस्पून में डाल रहा हूँ ऑयल, ठीक है फौरन डालना है, इसमें कोई खास इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, वेट नहीं करना, ऑयल आपका गर्म है। तो अब मैं इसमें डालूंगा 2 टेबलस्पून जो है मैदा, ठीक है ये इसमें डाल दें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको जो है हम चलाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से ऑयल में, क्योंकि हम स्टफ चिकन बना रहे हैं। अब ये देखें इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए, दैट मींस इट्स ओके, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगा 1/2 कप जो है दूध, ठीक है ये इसमें डाल देते हैं और साथ साथ जो है इसको विस्कर चलाते हैं इसमें, ताकि इसमें जो है बॉल्स ना बने, चिपके नहीं, आप इसमें सॉफ्ट हैंड से चलाएं इसमें। अब मैं इसमें डालूंगा वही श्रेडेड चिकन, ठीक है जो हमने श्रेड की थी, ये मैं इसमें डाल दूं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। 1/2 कप दूध और डालूंगा इसमें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगा 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, ये इसमें डाल देते हैं, इसको मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे चिली सॉस, 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें मिक्स हर्ब्स, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। फ्लेम को लो कर दें क्योंकि हमने इसकी थिकनेस जो है थोड़ी हैवी रखनी है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है, चूल्हे को बंद कर देते हैं और अब इसको जो है सेपरेट एक बाउल में निकाल के इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, ताकि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर इसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे डो में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी डो जो है हो गई है कम्प्लीट, तो डो की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट हो गए हैं, अब इसको चेक करते हैं, मैंने निकाल लिया है, ये देखें माशाल्लाह कितना फ्लफी है, कितना जबरदस्त है, और ये देखें जूम करके जरा इसको आप दिखाएं, बड़ा परफेक्ट जो है ये लग रहा है, और ये देखें डबल हो गया जैसे मैंने कहा था, ये देखें कितना सॉफ्ट है, ये देखें, ठीक है। तो अब ये इसको निकालते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब इसको इस तरह से इसका जो है पेड़ा बना लेंगे ऐसे करके इस तरह से, माशाल्लाह परफेक्ट है, ठीक है। अब इसको ये इसकी जो बैक साइड है ये देखें माशाल्लाह, इसको अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी मैं डालूंगा इस पे मैदे की सफेदी, इस तरह से डाल दें। अब इसको हम रोटी की तरह बेलेंगे, देखें इसकी क्वांटिटी इतनी है कि आप इसमें स्मॉल जो है 3 पिज्जा बना सकते हैं, मगर हम एक ही बना रहे हैं लार्ज साइज में, क्योंकि ये बेसिकली जो है स्टफ्ड है, तो इसमें जो है हम इसको बड़े साइज में बना रहे हैं, तो इसको जो है मैं बेल लूंगा, बेलन इस तरह से ले लें, घर का बेलन इसको बेल लेते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है इसको मैंने बेल दिया है गोल गोल, ठीक है। अब इसके एजेस थोड़े से उठा लें ताकि यहां से जो है ये इक्वल हो जाए, फ्री हो जाए कॉर्नर से, ठीक है जी। अब ये कि मैं इसके इसको जो है शेप दूंगा, मेरे पास ये देखें पिज्जा पैन है, ठीक है। अब इसको जो है मिडिल का शेप देंगे, बिल्कुल बीचों बीच इसको रख के, और इसको सॉफ्ट हैंड से मैं कर दूंगा प्रेस। ये देखें माशाल्लाह इसकी जो है शेप आ गई है। अब मैं करूंगा क्या, अब मैं इसमें जो है इस तरह की स्ट्रिप्स बनाऊंगा इसमें, ठीक है, इस तरह की 1-1 इंच की स्ट्रिप्स बना लें, जो शेप है शेप से बाहर हमने इसकी स्ट्रिप्स बनानी है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है इसकी चारों तरफ जो है इसकी स्ट्रिप्स बना ली है। अब करेंगे क्या, जो मैंने बीच में शेप दिया था, ये जो हमने स्टफ चिकन बनाया था, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब ये कि हम इसको जो है इसकी बॉर्डर्स के अंदर इसको डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको डालना शुरू करते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है फ्लेम के लिए चारों तरफ जो है ये मैंने इसको शेप दे दिया है। अब करेंगे क्या, अब जो है जो स्ट्रिप्स बनाई थी मैं इस पे से हल्का सा लगा लूंगा पानी, ताकि जो है इसको हमने चिपकाना है, ब्रश से लगा लें हल्का हल्का, इस तरह यहाँ पे भी लगा लें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पे पानी लगा लिया है। अब करेंगे कि अब मैं जो ये स्ट्रिप्स इस पे बंद करूंगा, ठीक है, ऐसे करके ऐच के इसको प्रेस कर दें, और एक स्ट्रिप ऐसे लगाएं और एक ऐसे, एक सीधी और एक क्रॉस में, तो आपकी फ्लिंग जो है वो इंशाल्लाह बाहर नहीं है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है मैंने फ्लिंग कर ली है। इसके एजेस को जो है एक दफा प्रेस कर लिएगा, ताकि जो है ये जब बेक हो तो ये अपनी जगह से हटे नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब असेंबलिंग करेंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे सॉस। लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है आपको पिज्जा सॉस की रेसिपी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो अब ये कि मैं ये सॉस जो है इसमें लगाता हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थोड़ी सी सॉस लें ऐसे और इसको इस तरह से हिला दें,
ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चारों तरफ जो है इसको पिज्जा सॉस लगा दी है। अब ये कि 1 टेबल स्पून मैंने अलग से जो है बोल के अंदर जो है पिज्जा सॉस लिए 1 टेबल स्पून। अब मैं एक सॉस बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त किस्म की सॉस है, ठीक है, बड़ा जबरदस्त मजा आएगा इसको खाने में, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगा मायोनीज, इसको मिक्स करूंगा इसमें। ये देखें बड़ी जबरदस्त सी आपकी हो गई सॉस तैयार। अब ये सॉस मैं इस पर डालूंगा और चम्मच की मदद से जो है इसको मैं बैलेंस कर दूंगा चारों तरफ। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर दिया है। अब इसके बाद मैं इस पर डालूंगा चीज, मोजरेला चीज मेरे पास है श्रेडेड, ये इसको डालते हैं, इस तरह से एक लेयर लगा दें इसकी चीज की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फैला के जो है अच्छे तरीके से इसकी लगा ली है लेयर। अब इसमें हम डालेंगे चंक्स जो हमने बनाए थे, ठीक है, ये वाले चंक्स हम इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से डाल दें। अब इसके ऊपर डालेंगे प्याज, इस तरह से डाल दें चारों तरफ। अब डालेंगे इसमें लास्ट में एल्पिनोस। अब अगेन आखिर में जो चीज की करेंगे दोबारा से टॉपिंग। अब मैंने लिया है एक अलग से अंडा, ठीक है, इसको जो है हम फेंट लेंगे, अगर इसमें जो है मैं थोड़े से ड्रॉप जो है पानी के डालूंगा ताकि जो है अंडा थोड़ा सा पतला हो जाए। इसको मैं फेंटूंगा इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ब्रश की मदद से जो है मैं इसके जो है ना कॉर्नर पे एजेस पे ये लगा दूंगा ताकि इससे जो है बड़ा अच्छा टेक्सचर और बड़ा प्यारा कलर आएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कंप्लीट फिलिंग मैंने कर दी है और बेहतरीन सा जो है टॉपिंग वगैरह करके जबरदस्त किस्म का जो है आपका डो तैयार हो चुका है, रेडी होने है। ये बेक के लिए जो हमने इसको रेडी कर दिया है। प्री हीट पे जो है 15 मिनट्स के लिए मैंने जो है ओवन को खोल के रखा था, जो कि 25 मिनट के लिए मैंने इसको लगा दिया प्री हीट पे 190 सेल्सियस पे, ठीक है। ये मेरे पास पिज्जा ट्रे है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको ग्रीस कर लूंगा चारों तरफ से अच्छे तरीके से, इसमें डाल देता हूँ ऑयल और इसको चारों तरफ से जबरदस्त सा जो है मैं कर दूंगा इसको ग्रीस। ये देखें मैंने इसको चारों तरफ से ग्रीस कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको इसमें क्यों नहीं बनाया, इसमें रख के, क्योंकि ऐसे ज्यादा इजी रहता है। अगर छोटा पिज्जा होता है तो आप इसमें रख के बनाएं, मगर इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको उठा के इसके अंदर जो है ट्रांसफर कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको बेकिंग पे मिलता हूँ। ये देखें पैन का मैंने पैन में इसको जो है ट्रांसफर कर दिया है। अब ये देखें ओवन में ओपन करता हूँ, ओवन जो है ऑलरेडी मेरा प्री हीट है, इसको इसमें डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कवर कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसको जो है हम 25 से 30 मिनट के लिए जो है इसमें बेक करेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना जबरदस्त किस्म का जो है फ्लफी सा जो है पिज्जा आप लोगों के सामने जो है तैयार है, कितना कमर्शियल है, कितना जबरदस्त है और कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो इसको क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह, एक पोर्शन हम काट लेते हैं, ये देखें बेहतरीन है। और देखें अंदर से भी जो है इसकी स्टफनेस देखें कितनी जबरदस्त है, चिकन की जो स्टफ चिकन है अंदर है इसके और ऊपर से चीज, तो आप लोगों के सामने है कितना कमर्शियल है, कितना जबरदस्त है और कितना ही उम्दा बना है। इंशाल्लाह खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी जबरदस्त आप लोगों के लिए मैं ये कमर्शियल रेसिपी लेकर आया हूँ। ईजी है, आसान है, हर कोई चाहे तो बआसानी बना सकता है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। खास मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को पसंद आए तो लाजमी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह इस तरह की मज़े की वीडियो लाता रहूं तो सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबा दिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फारिस सिद्दीकी को CFD किचन में से दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।